हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, खुशपाश, खैर आफियत के साथ होंगे। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बर वक्त पहुँच सके। जी जनाब, तो आज हम आए हैं लाल सोहारा के नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है बहावरपुर में, और यहाँ आपको पाए जाएंगे बहुत ही ज्यादा किस्म के ब्लैकबक, जिसको काला हिरन भी कहा जाता है। तो शाम के टाइम सूरज ढलने से पहले इनको खुराक मुहैया की जाती है। तो ये मंजर और दिलकश हो जाता है जब इनको खुराक दी जाती है, तो सारे इकट्ठे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो खुराक इनकी आ चुकी है, आवाज इनको लगाई जा रही है और ये भागते भागते आ रहे हैं। काला हिरन बहुत ही खूबसूरत मौजाती तकलीक है, जो कि पाया जाता है चोलिस्तान और राजस्थान में। तो ये अपने सींगों की वजह से बहुत मशहूर है, जो कि 3 फुट तक बढ़ते हैं। तो इनकी हिफाजत और इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए बहावरपुर में ब्लैकबक इंक्लोजर बनाया गया है। तो बहुत साल पहले चोलिस्तान में काले हिरनों का शिकार किया जाता था, जिससे इनकी नस्ल तकरीबन खत्म हो गई थी। 1972 में WWF की ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका से 10 ब्लैकबक के जोड़े लेके लाल सोहारा को गिफ्ट किए, जिससे इनकी अफजाइशी नस्ल को आगे बढ़ाया गया। ब्लैकबक इंक्लोजर दुनिया की चंद जगहों में से एक है जहां आपको मिलेंगे काले हिरन। तो ये पार्क 1974 में बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि काले हिरनों की तादाद को बढ़ाना। तो इस पार्क का रकबा 1 मुरब्बा किलोमीटर है।
तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।